आज जो क्लास में लेने जा रही हूँ आपकी, वो चैप्टर 7 की है। चैप्टर 7 का जो नाम है वो है पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मैं यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊंगी सबसे पहले कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। एक्चुअली केमिस्ट्री में हमारे 118 एलिमेंट्स हैं। इन सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एक टेबल में अरेंज किया गया है, वो टेबल हमारी पीरियोडिक टेबल कहलाती है। पीरियोडिक टेबल में हमको कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, ये सारी प्रॉपर्टीज जो अभी मैंने आपको बताई हैं, ये इस चैप्टर का भी हिस्सा है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होता है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम आते हैं। तो ये लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे चेंजेस होती चली जाती हैं, ये सभी चेंजेस को ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। सारी प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस में एक टॉपिक है आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सारी प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही वरी करती हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आखिर होता क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने से भी पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी एटम अगर है तो एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम ये 3 पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझाऊं, से फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 एंड मास 23 होता है। जो एटॉमिक नंबर है उससे हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो कितने हैं। तो अगर हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इट मींस कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के अंदर 11 है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम के अंदर होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता करने के लिए हम मास में से नंबर को माइनस कर देते हैं। 23 माइनस 11 इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12। ये सोडियम के अंदर 11 है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम के अंदर में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। वो अरेंजमेंट को हम यहाँ देखें। सबसे पहले वो अरेंजमेंट से पहले मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर हम सोडियम का ही एग्जांपल लेकर चल रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन के नंबर 12 हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स किसी भी एटम में सेंट्रल पार्ट में यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं और ये पूरा का पूरा मास किसी भी एटम का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सेंट्रल पार्ट यानी कि न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते हैं। हम एग्जांपल कॉमन लेकर चल रहे हैं। अगर मैं बात अभी भी सोडियम की ही करूं तो सब इलेक्ट्रॉन का भरने का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 11 है, तो सबसे पहली जो ऑर्बिट्स होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले दो जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम देखेंगे कि 2 और 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में भर गए हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड ऑर्बिट में। एक जनरल मैं आपको आइडिया दूँ तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो 2, सेकेंड 8, थर्ड 18 एंड फोर्थ 32। इलेक्ट्रॉन के भरने का ये एक अरेंजमेंट है इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियर चार्ज फील करता है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी दूं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द नेट चार्ज एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस इन एन एटम विद मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। मींस किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है, जो फील करता है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका कहलाता है। जैसे यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कितना फील इस पॉजिटिव चार्ज को करता है वो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। इसको कैलकुलेशन करने का एक रूल भी होता है जो कि रूल हमारा स्लेटर रूल कहलाता है। स्लेटर रूल को बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर हम बात करें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो उसमें क्या होता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होता है। मींस इलेक्ट्रॉन पर अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपने पास वाली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के कारण कुछ ना कुछ रिपल्शन फील करता है। रिपल्शन फील करने के कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चार्ज को पूरा का पूरा एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। उस कमी को कैलकुलेशन करने के लिए स्लेटर रूल दिया गया है, जो अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर टर्म में इसको बताऊं कि ये जो आपस में जो रिपल्शन है, उस रिपल्शन के कारण से जो कमी आ रही है उसे एक पर्टिकुलर वर्ड में डिफाइन करते हैं, दैट इज स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। ये वर्ड आपको नोट्स में भी देखने के लिए मिलेगा, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। एक्चुअल अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्बिट्स की, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो हर एक ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल अलग अलग होता है। अगर हम थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका एनर्जी लेवल सेकंड से ज़्यादा होगा, सेकंड का फर्स्ट से ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है कंपैरेटिव टू 2 के। होता क्या है, ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है ये इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के कारण रिपल्शन फील करेगा और इस न्यूक्लियर चार्ज को पूरा का पूरा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। इस रिपल्शन को ही हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैलकुलेट करेंगे स्लेटर रूल से। मैं आपको स्लेटर रूल बताने से पहले फिर से एक बार से फिर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या पढ़ा था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो नेट चार्ज होता है जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में एक्सपीरियंस करता है, वो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन अपने इनर इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ रिपल्शन फील करता है, कुछ रिपल्शन उसको फील होता है, जिस कारण से उसको उसका इनर चार्ज पूरा का पूरा फील कभी भी नहीं होता है, तो उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कुछ ना कुछ कमी जरूर आती है। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी एटम के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नीशियम यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 एंड
3s2। हम इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे। मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको किसी भी एटम के लिए अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखेंगे। उसके बाद ये आप 3 या 4 बातों का ध्यान रखेंगे, मतलब सबसे पहले जो कि इलेक्ट्रॉन हमारे n ऑर्बिट में है, उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 0.35। इलेक्ट्रॉन जो कि n-1 ऑर्बिट में है उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 0.8। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन हमारा n-2 और बिलो ऑर्बिट में होता है उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट में जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1। अब हम इस रूल को मैग्नीशियम में अप्लाई करेंगे। एन मीन्स आउटर ऑर्बिट का नंबर। अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो आउटर का मतलब होता है जो सबसे बाहर वाली हमारी ऑर्बिटल है, सबसे बाहर यानी कि थर्ड नंबर। तो थर्ड हमारा क्या है यहाँ पर? एन। अब बात करें हम n-1 यानी कि 3-1 दैट इज 2। 2 में हमारे जो अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो है 2+6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी हमारा यहाँ पर n-1 की वैल्यू हो गई 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में हो गए 8। अब बात करते हैं n-2 यानी कि 3-2 दैट इज 1, ऑर्बिट 1 n-2। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर देखेंगे तो वो 2 है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई कि n ऑर्बिट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट में काउंट नहीं करते। जैसे कि अगर हम लास्ट n की बात करें तो यहाँ पर n हमारा 3 है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 है, लेकिन हम इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूशन उसका होता नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमें लास्ट छोड़ना है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए 1। अब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चार्ज कैलकुलेट करने से पहले हमें स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है। स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देख रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो n में 1 इलेक्ट्रॉन है, कंट्रीब्यूशन 0.35 है। n-1 में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, कंट्रीब्यूशन 0.8 है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट में। फिर हम n-2 की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमारा 1s2 है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें 2 है। अब हम यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं। 1s नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 2s प्लस 2p नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 एंड 3s नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन हम इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है 1। 2 जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि 2 जो है हमारा 1 उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट में 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और कंट्रीब्यूशन है 1। प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें देखेंगे यहाँ पर 2+6 यहाँ पर लिख के भी रखा हुआ है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है वो है n-1 में 0.8, यानी कि 8 × 0.8। प्लस थर्ड का कंट्रीब्यूशन उसमें होता है 0.35, 1 इलेक्ट्रॉन × 0.35। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं 2 × 0.8 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करेंगे हम देखते हैं 6.4, 1 का मल्टीप्लाई 0.35 से करेंगे दैट इज़
3.5। इस सबको हम सम करेंगे तो हमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू पता लग जाती है, दैट इज 8.75। हैंस हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का यहाँ पर पहले से भी बताया 12, माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट 8.75। यानी कि अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो उसकी वैल्यू 3.25 निकल कर आई है। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी के लिए भी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है किसी के लिए ये वैल्यू अगर जितनी ज़्यादा आती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ उतने ही इफेक्टिवली अटैच्ड है और हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में भरते चले जाते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। और अगर हम बात करें ग्रुप्स की, ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आते हैं, हर बार एक नई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है, इस कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कम होती चली जाती है। टॉप टू बॉटम अगर हम देखेंगे दैट इज लो, एंड लेफ्ट टू राइट अगर हम देखेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हमेशा बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू सो मच।